हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास इलेवेंथ की केमिस्ट्री के चैप्टर सेकंड का आज दूसरा दिन है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए सामने हेडिंग दिख रहा है आप लोगों को, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर। आइए देखते हैं क्या है। कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के परमाणु के नाभिक पर स्थित धनावेश इकाइयों की संख्या के बराबर होता है, है ना। किसी तत्व की परमाणु संख्या उसके परमाणु में स्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। मतलब कि किसी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही उसकी परमाणु संख्या भी मानी जाएगी, ठीक है। नीचे देखिए, परमाणु संख्या बराबर होता है परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, और ये प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है परमाणु में स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। यानी कि किसी परमाणु में जितनी मात्रा में प्रोटॉन रहेंगे उतनी ही मात्रा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। जितनी भी मात्रा में प्रोटॉन होते हैं किसी परमाणु में उतनी ही मात्रा में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, ठीक है। और इसे ही परमाणु संख्या कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन का ही हम एग्जांपल लें, तो हाइड्रोजन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? प्रोटॉन की संख्या है एक, ठीक है। जब प्रोटॉन की संख्या एक हुई तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी? एक ही होगी। देखिए प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, तो प्रोटॉन की संख्या जब एक हुई तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी? इलेक्ट्रॉन भी होगा, एक ही होगा, ठीक। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जब एक हो गया तो परमाणु संख्या इसकी कितनी हुई? परमाणु संख्या भी इनकी वन ही होगी। परमाणु संख्या को परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर भी कहते हैं, वन होगी। इसी प्रकार से एग्जांपल ले लेते हैं क्लोरीन का, है ना। क्लोरीन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? 17। प्रोटॉन की संख्या जब 17 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 17 ही होगी। इसी प्रकार से इसका परमाणु क्रमांक भी कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा? 17। नेक्स्ट है द्रव्यमान संख्या या मॉस नंबर। तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्याओं के योग को उस परमाणु का द्रव्यमान संख्या कहते हैं। देखिए द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। इसे एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे सोडियम का ही एग्जांपल लें तो इसका परमाणु क्रमांक है, परमाणु संख्या 11, और इसका परमाणु द्रव्यमान संख्या है 23, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखेंगे प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, तो सोडियम में प्रोटॉनों की संख्या अभी हमने ऊपर देखा है ना कि प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है उतना ही उसका परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक होता है। तो इसमें देखिए प्रोटॉन की संख्या कितनी सो हो रही है? 11 है, 11 इसका परमाणु क्रमांक भी है, ठीक है। परमाणु क्रमांक और परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? प्रोटॉन की संख्या के। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है इसकी? 11 हुई, है ना। प्रोटॉन की संख्या बराबर किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या के। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 11 है, यहाँ से हम ले लेंगे। अब देखिए हमें न्यूट्रॉन की संख्या के बारे में हमें पता नहीं है, तो न्यूट्रॉन की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे? में न्यूट्रॉन की संख्या तो इसका हम द्रव्यमान संख्या में से जब परमाणु क्रमांक घटाएंगे तो हमें न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात हो जाएगी। द्रव्यमान संख्या कितना था?
23, परमाणु क्रमांक 11, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आएगी? 12। ठीक है, तो यानी कि इस परमाणु में, इस तत्व में, सोडियम में प्रोटॉन की संख्या कितनी ज्ञात हुई? 11। इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 और न्यूट्रॉन की संख्या 12। क्या कहेंगे? सोडियम में प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 11 है। इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी ज्ञात हुई? 12। चलिए इसे क्वेश्चन के माध्यम से और अच्छे समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि एक परमाणु के नाभिक में 12 न्यूट्रॉन और 11 प्रोटॉन है, तो द्रव्यमान संख्या कितनी होगी और इलेक्ट्रॉन संख्या? ठीक है, अगर किसी परमाणु के नाभिक में 12 न्यूट्रॉन और 11 प्रोटॉन दिए गए हों तो उसकी द्रव्यमान संख्या और इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी? तो अभी हमने देखा है कि जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है उतनी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 11, है ना। जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है उतनी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, यानी कि हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या यहीं से ज्ञात हो गई। अब हमें द्रव्यमान संख्या ज्ञात करनी है, तो द्रव्यमान संख्या का फार्मूला भी हमने देखा है। देखिए, सामने दिया है द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। द्रव्यमान संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना है? प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ देना है। तो क्वेश्चन में सामने प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या दिया है, बस हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या कितने दिया है? 12 है, प्रोटॉन 11 है। टू और वन थ्री हो जाएगा, है ना। टू और वन थ्री, वन वन टू, यानी कि 23। देखिए, कभी कभी यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या दिया हुआ है, तो इसमें बता देगा कि द्रव्यमान संख्या पूछ लिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा जा सकता है, साथ में ये भी पूछ सकता है कि कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, इस आधार पर तत्व कौन सा है, है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या, अभी हमने देखा कि जितना जो द्रव्यमान या परमाणु संख्या जो होती है, परमाणु संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या के। ठीक है, तो प्रोटॉन की संख्या हमें पता चल रहा है 11 है, तो 11वां एलिमेंट कौन सा है? आपको एलिमेंट तो याद होंगे ही, क्लास 10th में आप लोगों ने लर्न किया ही है, तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि 11 नंबर वाला एलिमेंट्स कौन सा है। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका परमाणु क्रमांक 11 है? 11 किसका है? सोडियम का है, है ना। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है, है ना। और परमाणु क्रमांक का फार्मूला भी हमने देखा ही है कि परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या का क्या होता है? परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी थी? 11 है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी? 11 ही होगी, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? 11 होगा, या परमाणु संख्या जो भी आप कहें। तो 11 वाला हम एलिमेंट देख लेते हैं, 11 वाला एलिमेंट कौन सा है? सोडियम है। तो इस प्रकार से हमें ये भी पता चल जाता है एक ही क्वेश्चन से कि ये एलिमेंट किस एलिमेंट की बात की जा रही है। ठीक है, एलिमेंट्स कौन सा है। चलिए इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है कि तीन विभिन्न तत्व हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या 40 है। ठीक है, तीन तत्व हैं अलग अलग और उन तीनों की द्रव्यमान संख्या कितनी है? 40 है, परंतु उनके परमाणु क्रमांक कितने हैं? 18, 19 और 20 है। उनके परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कितनी है? 18, 19 और 20 है। इनमें कितने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन होंगे?
ठीक है। कह रहा है कि तीन विभिन्न तत्व हैं जिन तीनों की द्रव्यमान संख्या 40 है, लेकिन उनके परमाणु क्रमांक अलग अलग हैं, 18, 19 और 20। तो इन तीनों में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी जा रही है। देखिए, हमें पता है कि द्रव्यमान संख्या का फॉर्मूला क्या है। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है। और इसी प्रकार से परमाणु क्रमांक का क्या होता है, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या का फॉर्मूला क्या है, हमने अभी पढ़ा है, प्रोटॉनों की संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अब देखिए 18 वाला जो एलिमेंट है इसमें देख लेते हैं। तो हम लिखेंगे कि परमाणु क्रमांक वाले तत्व में या एलिमेंट में प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या किस प्रकार से ज्ञात होगी। तो अभी मैंने बताया ना, अभी हमने लिखा है परमाणु संख्या बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या, तो परमाणु संख्या इसकी कितनी है 18 वाले की, 18 ही होगी, तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी ज्ञात होगी, 18 ही होगी, जितनी प्रोटॉन की संख्या उतनी इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, तो 18 ही लिखा। अब हमें ज्ञात करना है न्यूट्रॉन की संख्या। क्वेश्चन देखिए, न्यूट्रॉन की संख्या भी पूछी जा रही है, तो न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो न्यूट्रॉन की संख्या हम इस वाले फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं द्रव्यमान संख्या से, है ना। न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हम क्या कर सकते हैं, द्रव्यमान की संख्या या द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या। द्रव्यमान संख्या हमें क्वेश्चन में कितना दे रहा है, 40 दिया है, 40 कर लेते हैं, माइनस प्रोटॉन की संख्या कितनी है 18, है ना, और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, माइनस कर दीजिए 22, ठीक। अब इसी तरीके से हम 19 वाले का भी ज्ञात कर लेते हैं, जिनका ऐसे तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 19 है, तत्व में प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, 19 होगी, जितना परमाणु क्रमांक उतना प्रोटॉन, 19 हो गया। इलेक्ट्रॉन की संख्या 19 होगी, जितनी परमाणु जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या इसी प्रकार से हम ज्ञात कर लेते हैं, द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या, द्रव्यमान संख्या कितना दिया है 40 और प्रोटॉन की संख्या 19, माइनस कर देते हैं कितना 21 मिला, है ना। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है 21। सेम इसी तरीके से हम 20 वाले एलिमेंट्स का भी ज्ञात कर लेते हैं। में प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी 20, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 20 ही होगी, और न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या। माइनस 20 कितना आया 20, ठीक है। इस प्रकार से हमें तीनों एलिमेंट्स की न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात हो गई।
नेक्स्ट हेडिंग है समस्थानिक। तो समस्थानिक वे परमाणु होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो उन्हें समस्थानिक या आइसोटोप्स कहते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल देख लेते हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, उनका नाम है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटेनियम। प्रोटियम में 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन है। ड्यूटेरियम में देखते हैं 1 प्रोटॉन है, 1 न्यूट्रॉन और साथ में 1 इलेक्ट्रॉन है। ट्राइटियम में देखते हैं 1 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन है, है ना। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? 3 हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो समस्थानिक का हम यही बताते हैं कि जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं, जैसे कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेनियम है, तो इन तीनों का परमाणु क्रमांक कितना होगा? 1 ही होगा, ठीक है। इनका परमाणु क्रमांक कितना होगा? 1 ही होगा। लेकिन जब इनकी द्रव्यमान संख्या की बात की जाएगी तो द्रव्यमान संख्या में भिन्नता आ जाएगी। चलिए, इसका जस्ट अपोजिट है, समस्थानिक का जस्ट अपोजिट है समभारिक, यानी कि आइसोबार्स। वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है तथा परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं एक दूसरे के समभारिक कहलाते हैं। परमाणु क्रमांक भिन्न होगा लेकिन द्रव्यमान संख्या समान हो जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल में देख लेते हैं, कार्बन है ना, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 16 है। इसी प्रकार से क्या है? नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, सॉरी कार्बन का है 6 और नाइट्रोजन का है 7। परमाणु क्रमांक अलग है लेकिन जब हम आ रहे हैं इनकी द्रव्यमान संख्या पे, तो द्रव्यमान संख्या कार्बन का 14 है, 14 और नाइट्रोजन का भी 14 है, यानी कि द्रव्यमान संख्या समान है और परमाणु क्रमांक भिन्न है। देखिए यहाँ लिखा भी है द्रव्यमान संख्या समान है 14 दोनों का, परमाणु क्रमांक असमान है 6 और 7 है। इसी प्रकार से इस वाले एग्जांपल में भी देख लेते हैं, द्रव्यमान संख्या इन दोनों की कितनी है? 40 है, परमाणु क्रमांक 18 और 20 है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है हमारा बोर के परमाणु मॉडल के विकास की पृष्ठभूमि। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे बेटा, उनका नाम था बोर, ठीक है। तो उन्होंने भी परमाणु मॉडल दिया था, जैसे अभी हम लोगों रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल अभी हमने पढ़ा है, तो इसी प्रकार से बोर ने भी अपना परमाणु मॉडल दिया था। देखिए ये 2 बिंदुओं पर इनके जो है परमाणु मॉडल जो है निर्भर था। देखिए पहला है विद्युत चुंबकीय विकिरण का द्वैत व्यवहार। द्वैत मीन्स होता है कि डुअल नेचर, ठीक है, यानी कि डबल नेचर, दो तरीके से व्यवहार होना। विद्युत चुंबकीय विकिरण का द्वैत व्यवहार होना, यानी कि विद्युत चुंबकीय विकिरण जो है तरंग की तरह भी कार्य करता है और कण की तरह भी कार्य करता है। मतलब उन विद्युत चुंबकीय विकिरण का गुण क्या होता है? तरंग वाला गुण भी होता है और कण का गुण भी होता है। दूसरा है परमाणु स्पेक्ट्रम से संबंधित प्रायोगिक परिमाण। चलिए इसमें पहला देख लेते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति देख लेते हैं, है ना। विद्युत चुंबकीय विकिरण अभी हमने देखा ना कि दो तरीके से व्यवहार करता है, इसका डुअल नेचर होता है तरंग और कण दोनों का। तो आइए देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसकी तरंग की प्रकृति है। तो एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था जेम्स मैक्सवेल। तो जेम्स मैक्सवेल के अनुसार जब विद्युत आवेशित कणों को त्वरित किया जाता है, जब विद्युत आवेशित कणों को त्वरित किया जाता है तो एकांतर विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, ठीक है। विद्युत आवेशित कणों को जब त्वरित किया जाएगा, प्रवाहित किया जाएगा, तो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होंगे। यह क्षेत्र विद्युत एवं चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होते हैं जिन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग या विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। चलिए सिर्फ एक फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए देखिए मैक्सवेल ने ये बताया था कि जो प्रकाश तरंगे होती हैं वो किस प्रकार से गति करती हैं, उनका जो गति होती है वो विद्युत और चुंबकीय व्यवहार से संबंधित होता है। वो विद्युत और चुंबकीय दोनों व्यवहार वो शो करते हैं, है ना। जैसे फिगर में आप देख लीजिए,
है ना। ये मान लीजिए कोई एक्सिस है, ये एक्स माना हमने, है ना, और ये वाई है और ये जेड है। ये जो है 90 डिग्री पे है बेटा। ये जो दोनों एक्सिस आपको दिख रहे हैं वाई और जेड, ये एक दूसरे के ये 90 डिग्री पर हैं, है ना। यहाँ फिगर इस तरह से बनाया नहीं जा सकता, जैसे कि ये पेन मैं आपको दिखा रहा हूँ, पेन से इस प्रकार से हैं ये, ठीक है। और ये किरण जो है ये यहाँ से इस प्रकार से जो है ये, और एक्स एक्सिस जो है हम यहाँ इस प्रकार से मानते हैं, है ना। तो विद्युत क्षेत्र जो घटक होता है इसका, ये यहाँ से प्रवाहित होता है इस प्रकार से, और जो चुंबकीय क्षेत्र घटक है वो इस वाले एक्सिस से, है ना। विद्युत जो क्षेत्र घटक है वो यहाँ से प्रवाहित होगा और चुंबकीय वाला यहाँ से, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे, समांतर होंगे, ठीक। चलिए वैद्युत चुंबकीय तरंगों के कुछ सामान्य गुण हम देख लेते हैं, तब हमें इस फिगर को समझने में और आसानी होगी। जैसे पहला है, आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं तथा तरंग के संचरण की दिशा में भी लंबवत होते हैं। देखिए यही कह रहा है कि आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं, है ना। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र वे एक दूसरे के क्या से होते हैं, लंबवत होते हैं। और क्या है, तरंग के संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं, यानी कि जिस दिशा में तरंगों का संचरण हो रहा है उसके भी ये लंबवत होते हैं। दूसरा गुण है इसका कि ध्वनि अथवा जल तरंगों के विपरीत विद्युत चुंबकीय तरंगों को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये निर्वात में भी गति कर सकते हैं। निर्वात समझ रहे हैं आप लोग, निर्वात मीन्स होता है जहाँ पे वायु भी ना हो, है ना। जैसे कि ध्वनि तरंगे या जल तरंग हैं, तो ध्वनि और जल तरंगों को प्रवाहित होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं इनको किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि इन्हें इनको प्रवाहित होने के लिए वायु की आवश्यकता, जल की आवश्यकता नहीं होगी। ये कहीं भी निर्वात में भी, मतलब जहाँ वायु ना हो वहाँ भी आराम से गति कर सकते हैं। थर्ड है, विद्युत चुंबकीय विकिरण के कई प्रकार होते हैं, इनकी तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति भिन्न भिन्न होती है, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जो हैं वो एक ही प्रकार की नहीं होती, वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे कौन कौन से हैं, जैसे पहला है रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे सूक्ष्म तरंग, अवरक्त क्षेत्र और पराबैंगनी क्षेत्र। देखिए रेडियो आवृत्ति जो होती है इसकी फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रिक्वेंसी 10^6 हर्ट्ज है, एच जेड को बोलते हैं हर्ट्ज। ठीक है, इसी प्रकार से सूक्ष्म तरंग की फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 10^2 हो गई। अवरक्त क्षेत्र इंफ्रारेड की है, 10^13 हर्ट्ज, और पराबैंगनी क्षेत्र की है 10^16 हर्ट्ज। नेक्स्ट है साधारणतः जो दृश्य प्रकाश होता है जिसमें हम देखते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10^15 हर्ट्ज होती है। तो रेडियो जो फ्रिक्वेंसी है, रेडियो तरंगे जो हैं इनका उपयोग कहाँ किया जाएगा, इनका उपयोग किया जाता है प्रसारण में। ठीक है, जो रेडियो और टेलीविज़न पर प्रसारण किया जाता है उसमें इन रेडियो फ्रिक्वेंसी, रेडियो आवृत्ति का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से सूक्ष्म तरंग देख लेते हैं, सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है रडार में, है ना। रडार से जो ध्वनियाँ कैच की जाती हैं या संदेश पहुँचा जाते हैं उनमें सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से देख लेते हैं अवरक्त क्षेत्र में इंफ्रारेड किरणें, इनका उपयोग किया जाता है गर्म करने में। पराबैंगनी किरणें जो हैं, अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं, ये क्या होती हैं, सूर्य की किरण का ही एक भाग होती हैं। चलिए नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय विकिरण, जो चौथा गुण है ये, विद्युत चुंबकीय विकिरण को दर्शाने के लिए विभिन्न प्रकार के मात्रकों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि आवृत्ति वी, है ना, तथा तरंग दैर्ध्य लैम्डा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या चरित्रित किया जाता है, दोनों एक ही चीज़ हैं। और इनकी आवृत्ति का एसआई मात्रक कितना होता है, हर्ट्ज होता है।
ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है कि निर्वात में सभी प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण चाहे उनकी तरंग दैर्घ्य कुछ भी हो एक समान गति 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है से चलते हैं, इसे ही प्रकाश की गति कहते हैं। प्रकाश की गति क्या होती है, प्रकाश की गति को हम इस प्रकार से 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और 2.99725 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से भी शो कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार का तरंग दैर्घ्य हो, विद्युत चुंबकीय विकिरण हो और उसकी तरंग दैर्घ्य चाहे जो हो लेकिन वो एक समान गति से ही चलेंगी। और किस में चलेंगी, निर्वात में। निर्वात अभी मैंने बताया था ना, जहाँ पे वायु ना हो, तो निर्वात में कोई भी विद्युत चुंबकीय विकिरण होगी चाहे उसका तरंग दैर्घ्य कम हो या ज़्यादा हो, उनकी गति हमेशा इतनी ही रहती है। इसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश की गति कहते हैं। प्रकाश की गति को c से प्रदर्शित करते हैं जिसकी आवृत्ति v, तरंग दैर्घ्य लैम्डा तथा प्रकाश के वेग। c को निम्न समीकरण से हम प्रदर्शित कर सकते हैं, c इक्वल टू v इंटू लैम्डा, है ना। चलिए अब नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय विकिरण की कणीय प्रकृति। अभी हमने देखा था विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति, अब है विद्युत चुंबकीय विकिरण की कणीय प्रकृति। तो इसमें है, इसे ही बोलते हैं प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत, प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत या कृष्ण का विकिरण सिद्धांत। ये चीज़ें एक ही हैं, गर्म पिंड से विकिरण का उत्सर्जन नहीं, इसको बोल सकते हैं कृष्णा विकिरण सिद्धांत, कृष्णिका विकिरण या फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये तीनों एक ही चीज़ हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरण की कड़ी प्रकृति को ही बोलते हैं प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत या कृष्णिका विकिरण ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो क्या है, जब किसी वस्तु की सतह पर प्रकाश विकृत किया जाता है तो विकृत ऊर्जा का कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग प्रेषित हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है, है ना, कोई पदार्थ है, जब इस पर कोई प्रकाश या विद्युत चुंबकीय विकिरण जो है प्रेषित किया जाएगा इस प्रकार से, तो कुछ भाग तो इसमें अवशोषित कर लेगा ये, कुछ भाग वो परावर्तित कर देगा, है ना, कुछ भाग जो है वापस वो प्रेषित भी कर सकता है। लेकिन ब्लैक बॉडी क्या होती है, कृष्णिका क्या होती है, ये एक ऐसा आदर्श पिंड होता है जो हर प्रकार की आवृत्ति के विकिरणों को एक समान ही उत्सर्जित करें तथा अवशोषित करें, है ना। पहले तो ये जो है जितना भी प्रकाश या जो भी विकिरण इनमें प्रेषित किया जाता है उनको वो खुद में समाहित कर लेता है, और जब वो प्रेषित करता है तो एक समान भाग ही उनको, मतलब जितना वो अवशोषित करता है उतना ही वो उत्सर्जित भी करेगा। ये नहीं कि कुछ, जैसे कि हमने किसी वस्तु का देखा था कि सारी वस्तुएं जो हैं इस प्रकार से व्यवहार करती हैं कि कुछ भाग वो अवशोषित करती हैं, कुछ भाग परावर्तित कर देंगी, है ना। लेकिन जो कृष्णिका होती है, ब्लैक बॉडी होती है, वो समान, मतलब जितना उसने अवशोषित किया उतना ही उत्सर्जित भी कर देगा, ठीक। इस पिंड को से उत्सर्जित विकिरण को ही कृष्णिका विकिरण कहते हैं, ठीक है। जो कृष्णिका या ब्लैक बॉडी होती है उससे जो उत्सर्जित विकिरण रहेगा उसी को बोलते हैं कृष्णिका विकिरण। कृष्णिका से उत्सर्जित प्रकाश की मात्रा तथा उसका स्पेक्ट्रम में वितरण केवल उसके ताप पर ही निर्भर करता है, ठीक है। जितनी भी प्रकाश की मात्रा उत्सर्जित कर रहा है वो उसके ताप पर, टेम्परेचर पर निर्भर करेगा। देखिए दिए गए तापमान पर उत्सर्जित विकिरण तीव्रता तरंग दैर्घ्य के बढ़ने के साथ बढ़ती है तथा किसी एक तरंग दैर्घ्य पर यह अधिकतम हो जाती है, इसके बाद तरंग दैर्घ्य की ओर बढ़ने पर यह घटनी शुरू होती है। यानी कि मान लीजिए कोई ब्लैक बॉडी है या कृष्णिका है तो उस पर जब तापमान, उसको और गर्म किया जाए, उसको और टेम्परेचर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ने लगेगी, ठीक है, तरंग दैर्घ्य जो बढ़ने लगेगा। लेकिन किसी एक तरंग दैर्घ्य पर ये अधिकतम हो जाएगी, जैसे चार्ट में आपने दे रहा है, ठीक है। जब उसका टेम्परेचर बढ़ा तो ये क्या है, टेम्परेचर बढ़ा तो तरंग दैर्घ्य इनका, देखिए दिखा है लैम्डा, तरंग दैर्घ्य भी बढ़ने लगा। लेकिन किसी एक टेम्परेचर पर इनका तरंग दैर्घ्य जो है ये अधिकतम हो जाता है, इसके बाद
यह घटना शुरू हो जाती है। ये नहीं कि और आगे बढ़े, ऐसा नहीं होता, ये और घटना शुरू हो जाता है। तो प्लांक का कहना था कि प्लांक के अनुसार विकिरण ऊर्जा जो है छोटे छोटे कणों के रूप में बढ़ती है। मतलब पहले प्लांक का कहना था कि जो ये विद्युत चुम्बकीय विकिरण है वो लगातार ऐसे लगातार एक मतलब एक तरंग के रूप में नहीं बढ़ती, ये एक छोटे छोटे कणों के रूप में, चंक्स के रूप में होती हैं। एनर्जी का एक छोटा छोटा पैकेट होता है ना, इस प्रकार से बढ़ती हैं। तो इस विकिरण को उन्होंने कहा फोटान या क्वांटम। प्लांक का ये कहना था कि विद्युत चुंबकीय विकिरण जो है एक तरंग के रूप में ही नहीं बढ़ती, बल्कि ये एनर्जी के, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में, छोटे छोटे कणों के रूप में बढ़ती हैं, है ना। जो छोटे छोटे पैकेट के रूप में बढ़ेंगी, छोटे छोटे कणों के रूप में बढ़ेंगी, तो इस प्रकार से इन्होंने इसको कहा कि विद्युत चुंबकीय विकिरण में कण की प्रकृति भी होती है, है ना। और इस विकिरण को उन्होंने क्या नाम दिया, फोटान या फिर क्वांटम। ऊर्जा तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है, ठीक है। विकिरण के क्वांटम की ऊर्जा को ई मान लेने पर उसकी आवृत्ति को वी से क्या करेंगे कि विकिरण की क्वांटम की ऊर्जा ई है तो उसकी आवृत्ति वी के समानुपाती होती है। इससे समीकरण ई बराबर एच बाई वी द्वारा व्यक्त किया जाता है। और आनुपातिकता स्थिरांक जो है एच, इसी को ही प्लांक स्थिरांक कहा जाता है। और उसका मान, जो प्लांक स्थिरांक का मान कितना है, इतना 6.62 × 10⁻³⁴, ये है जे, जूल सेकंड से शो किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए ऊर्जा का मान जो है 1, 2, 3, 4 में से कोई भी हो सकता है, परंतु इनके इन मानों के बीच का कोई भी मान नहीं होगा, है ना। ऊर्जा का मान जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता कि 1.5 हो जाए, है ना, 1.8 हो जाए, तो इस प्रकार ऐसा नहीं होता। ठीक है, इस प्रकार से शो कर सकते हैं, ऊर्जा है, एनर्जी है, ये जीरो से स्टार्ट होकर अनगिनत मान तक बढ़ सकती है, है ना। जीरो है, यहाँ पे वन लिख सकते हैं चाहे तो, वरना आप ना लिखें, है ना, 2, 3, 4 इस प्रकार से अनगिनत। लेकिन कभी भी जैसे जीरो है तो यहाँ पे हो सकता है 0.5 लिख दें, तो ऐसा मान कभी नहीं आएगा। जीरो के बाद वन, वन के बाद टू, टू के बाद थ्री, थ्री के बाद फोर, इस प्रकार से आगे ये इनका मान बढ़ता जाता है। यानी कि इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, तो एक सीढ़ी के बाद आप दूसरी सीढ़ी पर कदम रखेंगे, है ना। जैसे कि मान लीजिए ये सीढ़ियाँ, ऐसे सीढ़ी होती है, तो आप यहाँ चढ़ेंगे उसके बाद यहाँ पे खड़े हो सकते हैं, लेकिन क्या आप यहाँ पे खड़े हो सकते हैं, नहीं खड़े हो सकते, है ना। यानी कि बीच में आप कहीं नहीं खड़े हो सकते। इसी प्रकार से इनका मान भी होता है ऊर्जा का, इनके मान 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से हो सकते हैं, लेकिन इनके बीच का कोई भी मान नहीं होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।